नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसपे मैंने स्केचअप सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज के लेसन में हम बात करेंगे कंपोनेंट एंड ग्रुप के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे ग्रुप बनाया जाता है, कैसे कंपोनेंट क्रिएट किया जाता है, दोनों को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को हाइड करते हैं, कैसे लॉक करते हैं, कैसे आउटलाइनर का यूज किया जाता है, और कैसे कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप देखो क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब एक्सट्रूड करने के बाद मैं अब इसको एज ए ग्रुप बनाना चाहता हूँ। क्यों ग्रुप बनाना चाहता हूँ? मान लो मैंने एक कॉलम लिया है यहाँ पे और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कोई भी वॉल वगैरह में बना देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको अलग कर देना, बट अगर इसमें ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको बनाने से पहले ही मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको कर दूंगा मेक ग्रुप। एंड मेक ग्रुप करने के बाद ये मेरा एक ग्रुप बन जाएगा। अब मैं कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे बनाता हूँ तो ये कंपोनेंट अलग है और आपका ग्रुप अलग है। आप इस ग्रुप को आप सिलेक्ट करके कैसे भी इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत जगह पे यूज होगा। तो ये ग्रुप होता है और एक कंपोनेंट होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आज आपको क्लियर करूंगा। तो मान लो ये आपने एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर पहले आप एक रेक्टेंगल बनाए और इस पर डबल क्लिक करके आप इसे राइट क्लिक करके आप इसे कर दे मेक ग्रुप, ऐसे भी आप बना सकते हो। अब अगर आप ग्रुप को एक्सट्रूड करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करें, अब अगर आप पुश एंड पुल को यूज करेंगे तो यहां से वो पुश पुल नहीं होगा क्योंकि ये एक ग्रुप है। आप इसे डबल क्लिक करें, अब ग्रुप के अंदर आप एंटर कर गए हैं, अब आप इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। क्लियर? अब है कि अगर मेरे को अब किसी भी फेस को चेंज करना है, दोबारा से आपको डबल क्लिक करना होगा, ग्रुप के अंदर एंटर होना होगा और उसको फिर आप यहां से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो ऐसे ही अब मैं बनाता हूं एक कंपोनेंट। मान लो मैंने एक कॉलम रेडी किया है और इसको मैंने डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके और यहाँ पे एक होता है मेक कंपोनेंट, कंपोनेंट पे क्लिक करें, नाम डाल दें कॉलम कि मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, अलाइनमेंट एडवांस ये आप बाद में बात करेंगे इनके बारे में, और रिप्लेस सिलेक्शन विद कंपोनेंट पे आप यहाँ से चेक करें एंड क्रिएट। अब इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इसे अब एक्सट्रूड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर है? अब ये मेरा ग्रुप है और ये मेरा कंपोनेंट है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास जो ये ग्रुप है इसकी मैं काफी सारी कॉपी बनाता हूँ। मान लो मैं इसको इधर मूव करता हूँ, अब मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करके और कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं मूव करता हूँ यहाँ पे और मैं डाल देता हूँ *6 एंटर, तो नंबर ऑफ कॉपीज आ जाएंगी मेरी 6। ऐसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके अगर मूव करता हूँ यहाँ पे, मैं डालता हूँ *6, 6 कॉपीज मेरी इसकी आ जाएंगी। आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मेरे ग्रुप हैं वो इंडिविजुअल है सभी। किसी भी ग्रुप को आप डबल क्लिक करके आप यहां से किसी भी चीज को इंडिविजुअली एक्सट्रूड कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप अलग से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? बट अगर मैं बात करूं कंपोनेंट की, तो इसमें क्या है कि अगर मैं किसी एक सिंगल कंपोनेंट को भी सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करता हूं तो सभी कंपोनेंट उसके साथ ही आपके एक्सट्रूड हो जाएंगे। किसी भी फेस को अगर मैं सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करूंगा तो वो सभी फेस एक्सट्रूड होंगे। पुश पुल जो भी करोगे आप वो सभी फेस पे इस चीज का इफेक्ट आएगा। ये डिफरेंस होता है आपके ग्रुप और आपके कंपोनेंट पे। किसी भी कंपोनेंट को आप सिलेक्ट करके अगर आप इनसे अलग करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें और इसे कर दे मेक यूनिक, तो ये कंपोनेंट अब आपका अलग हो जाएगा। अब आप इस कंपोनेंट को अगर आप एक्सट्रूड करते हैं किसी भी साइड से तो इसका इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा, बट इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके पुश पुल करेंगे तो आपका सभी ऑब्जेक्ट्स पे उस चीज का इफेक्ट आपका यहाँ पे पड़ेगा। क्लियर है? ये डिफरेंस है आपका ग्रुप एंड आपके कंपोनेंट पे। कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं वो भी चलो बना देते हैं। मान लो आपने स्टेयर बनाया है, आप यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेयर कैसे आप बना सकते हैं नॉर्मल। ये मैंने यहाँ पे एक बनाया, थोड़ा सा और एक्सट्रूड कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया, ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक, मेक कंपोनेंट, ओके, और आप यहां से अब मूव कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके एंड *6 एंटर कुछ ऐसे।
अब इसके एक और बेनिफिट है कंपोनेंट बनाने का। मान लो मेरे को इसके सरफेस पे मटेरियल डालना है, तो कंपोनेंट बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि अगर डबल क्लिक करते हो, सरफेस को सिलेक्ट करते हो और कोई भी मटेरियल आप डालते हो इस वाले फेस पे, तो वो क्या करेगा, सब फेस पे मटेरियल लगा देगा। कोई भी मटेरियल चूज किया क्लिक, तो वो देखो सभी फेस पे मटेरियल लगा दिया। अगर आप मटेरियल ऐसे डालोगे कि विदाउट ग्रुप कंपोनेंट के में एंटर हुए, अगर आप अभी से सिलेक्ट करके बकेट टूल से आप सिलेक्ट करके डालते हो तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट पे लगा देगा, बट और किसी पे इसका चेंज नहीं आएगा। बट अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हैं, अब इसको सिलेक्ट करके अगर अब आप यहाँ पे मटेरियल लगाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके सभी फेस पे यहाँ पे मटेरियल आपका शो होगा। तो ऐसे करके भी आप अपने कंपोनेंट को यहाँ से मटेरियल डाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप, मान लो आपने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से एक्सट्रूड किया और आपने इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप बना दिया। अब अगर आप ग्रुप को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। किसी भी ग्रुप को और किसी भी कंपोनेंट को आप ऐसे यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपने यहाँ पे बनाया, इसको एक्सट्रूड किया यहाँ से, और अगर आप इसे ट्रिपल क्लिक करके कंपोनेंट भी बना देते हैं, ओके करेंगे, तो भी आप इसे राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि आपका कंपोनेंट सभी फेसेस आपके अलग अलग यहाँ पे हो जाए। क्लियर है? अब बात करते हैं, अब इसकी हेल्प से हम एक टेबल रेडी करते हैं, टेबल डिजाइन करते हैं। तो छोटी सी टेबल हम बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक सरफेस लिया विदाउट डायमेंशन, मैं कोई भी टेबल ले रहा हूँ, या फिर डायमेंशन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। मान लो मेरे को 2 फीट बाई 4 फीट की मेरे को टेबल चाहिए, 2 फीट बाई 2 फीट की टेबल चाहिए, तो मैंने डाला 2 फीट कोमा 2 फीट का एक मैंने रेक्टेंगल लिया, 2 फीट कोमा 2 फीट, कुछ ऐसे। क्लियर है? इसको लेने के बाद मैंने इसको एक्सट्रूड किया 1 इंच। इसको करने के बाद मैंने इसको ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक किया और इसको ग्रुप बना दिया। क्लियर है? इसको सिलेक्ट किया और इसको हल्का सा मैंने मूव कर दिया ऊपर की साइड, कुछ ऐसे। ओके, अब इसके नीचे मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, अप एरो सिलेक्ट किया ताकि ब्लू एक्सिस पे बने, तो आप एक रेक्टेंगल यहाँ पे इस तरीके से बना दो ताकि मैं इसकी लेग बना पाऊँ। अब ये ग्रुप था, ये आपने ग्रुप बनाया था, अब ये इंडिविजुअल पार्ट है, तो इसको डबल क्लिक करके मैं राइट क्लिक करके और मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, और यहाँ पे आप डाल सकते हो टेबल लेग, नाम डाला मैंने डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेशन में, एंड यहाँ पे किया क्रिएट। क्रिएट करने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, इसको या तो आप यहाँ से कॉपी करके सब जगह प्लेस कर सकते हो। कैसे, कि मैंने सिलेक्ट किया, मूव पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया, कि यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, फिर यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, और फिर यहां से कॉपी करके मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, कुछ इस तरीके से। या तो आप ऐसे करो, या फिर मैंने अंडू किया, या फिर कैसे कर सकते हो, आप एक सेंटर में एक लाइन लगाओ, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, रोटेट पे क्लिक करो, और इसके सेंटर से आप इसे रोटेट करोगे। अगर आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तो कैसे रोटेट होगा, बट अगर आप कंट्रोल प्रेस कर दोगे तो वो उसकी कॉपी हो जाएगी। एक कॉपी करो आप 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री, आप मेजरमेंट में यहाँ पे एंगल देख सकते हैं, 90 डिग्री कॉपी किया। अब आप प्रेस कर दो *3, एक कॉपी ऑलरेडी है, 3 कॉपीज और चाहिए, एंटर, तो आपकी टोटल 3 कॉपीज यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? आपने यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो। अब आपने एक कंपोनेंट बनाया था, अब आप इसे डबल क्लिक करके एक्सट्रूड करेंगे, तो आप देखेंगे चारों साइड से आपका एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कॉलम भी रेडी कर सकते हो, टेबल भी रेडी कर सकते हो, ये आपने एक्सट्रूड किया। एक और चीज आप कर सकते हो, मान लो आपने इस फेस को सिलेक्ट किया, अब आप इसे स्केल कर सकते हो, और अब आप ऐसे स्केल करोगे तो देखो एक साइड से स्केल होगा, अगर आप कंट्रोल प्रेस कर देंगे तो वो सेंटर से स्केल करेगा, कुछ इस तरीके से वो आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो ऐसे करके आप अपनी एक टेबल को भी रेडी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। अगर आपको कोई भी टेबल रेडी करनी है, कॉलम रेडी करना है, इस तरीके से आप इन चीजों को यहां से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद है कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे हाइड करने के, आपको कोई कंपोनेंट हाइड करना है, कोई ऑब्जेक्ट हाइड करना है। मान लो आपने ये बनाया, डबल क्लिक किया,
इसको राइट क्लिक किया, ग्रुप बना दिया मान लो आपने इसे, आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर एंटर हो जाओ और फिर इसे एक्सट्रूड करो। ठीक है, ऐसे ही आपने कोई यहाँ पे कंपोनेंट बनाया, राइट क्लिक मेक कंपोनेंट, नाम रख सकते हो कोई भी, और फिर आप इसे यहाँ से डबल क्लिक करके एक्सट्रूड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर आप इसके नंबर ऑफ कॉपी डाल सकते हैं कि मैंने नंबर ऑफ कॉपी *5# ऐसे आप कंपोनेंट की कॉपी डाल सकते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक किया या फिर नहीं डालते कोई नहीं। अब क्या है कि आपके जितने भी कंपोनेंट है आपने इसे यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, कॉपी कर लेते हैं हम इसकी, मान लो किसी भी एंगल पे मैं कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पे *5#, ओके *5 एंटर। अब अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आउटलाइनर, आउटलाइनर पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो जितने भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बनाओगे वो सारे ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कंपोनेंट वन अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये बताएगा सिलेक्ट करके कौन सा कंपोनेंट है, इसका नाम क्या है, जो भी आपने नाम रखा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे टेबल की लेग्स हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगी, जो आपने ग्रुप बनाया है वो सिलेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। मान लो मैं इन सभी मान लो चारों लेग्स को एक ग्रुप के अंदर डालना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्रेस करके चारों लेग्स को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके कर दो मेक ग्रुप। अब ये कंपोनेंट भी है और ग्रुप भी है, डबल क्लिक करोगे कंपोनेंट के अंदर चले जाओगे, फिर डबल क्लिक करो ग्रुप के अंदर चले जाओगे अगर आप डबल क्लिक करते हो, और फिर डबल क्लिक करते हो तो आप एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर चले जाओगे जिसको आप बाद में एडिट कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे ये लगा लो कि आपके फोल्डर्स बन जाएंगे जिनमें आप अपने कंपोनेंट्स वगैरह को यहाँ से राइट क्लिक करके ग्रुप बना सकते हो, तो अब ये कंप्लीट एक आपका ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? तो जितनी भी चीजें आप यहाँ से करोगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे होंगे, तो आपको आउटलाइनर में नजर आएगा। अगर आपको यहाँ पे आउटलाइनर नजर ना आए तो विंडो में जाओ, माई ट्रे पे क्लिक करो और यहाँ से आउटलाइनर को आप ऑन कर सकते हो। उसके बाद है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसकी एंटिटी इन्फो में एक प्रॉपर्टी ओपन होती है यहाँ पे, और ये प्रॉपर्टी हाइड वाली यहाँ पे भी आपका, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके या फिर यहीं से आप हाइड कर सकते हो इस तरीके से, आप इसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको हाइड करना है तो यहीं से आप अपने ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हो। अगर सिलेक्ट करके करना है तो आप उसे सिलेक्ट करें तो यहां से भी कर सकते हो, और आपकी एंटिटी इन्फो में भी एक ऑप्शन होता है यहाँ से हाइड करने का, आप इसे हाइड कर दो तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से हाइड हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको ऑब्जेक्ट वापस देखना है तो आप यहाँ पे जाएं व्यू पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो हिडन ऑब्जेक्ट, शो हिडन ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करो, जो भी आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पे हाइड होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, आप उन्हें क्लिक करके और यहाँ से फिर इसको आई बटन को अनहाइड कर सकते हैं तो अनहाइड हो जाएगा, या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट हाइड होगा वो आपको इस आउटलाइनर में नजर आ जाएगा, आप यहाँ से भी इसको अनहाइड कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे आपने अनहाइड किया बट ऐसे आपको अभी भी दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है शो हिडन ऑब्जेक्ट, इसे अनचेक कर दे तो आपको हिडन ऑब्जेक्ट नजर आएगा ही नहीं यहाँ पे। क्लियर है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से लॉक कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा, लॉक होने के बाद आप इस पे क्लिक करके ना तो इसे इरेज कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, और ना ही आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट आपका लॉक हो जाएगा, आप इसे दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। एंटिटी इन्फो आपको दिखाते हैं कि अगर आपने कोई भी कंपोनेंट सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं, अब इसे सिलेक्ट करूं तो वो दिखाएगा component 3, आप इसे नाम भी डाल सकते हो C1, तो उसी के नाम से बन जाएगा, और यहाँ से सारे कंपोनेंट का नेम, क्योंकि आपने एक ग्रुप में किया हुआ है तो सारे कंपोनेंट का नेम C1 हो जाएगा। इसे क्लिक करें, उसके बाद नेम यहाँ पे डाल सकते हो, वॉल्यूम आपको बताया गया कि कितना स्क्वेयर क्यूबिक फिट आपका यहाँ पे वॉल्यूम है, और टैग के बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे टैग डाल सकते हो। एक और चीज है कि ओनली कंपोनेंट के बारे में देखना है तो यहाँ पे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी है, जितने भी आपने कंपोनेंट बनाए हैं वो सारे कंपोनेंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। किसी भी कंपोनेंट को आप सिलेक्ट करेंगे, मान लो आपने ये वाले कंपोनेंट को सिलेक्ट किया, इस वाले कंपोनेंट को आप दोबारा यहाँ पे लेके आ सकते हो, या फिर मान लो ये वाले कंपोनेंट आपने बनाया इसको भी आप लेके आ सकते हो, और इस वाले कंपोनेंट को अगर एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक करें। अब एक चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो काफी मेन है,
मान लो आपने मैं अगेन से एक चीज बनाता हूँ, मान लो मैं एक स्टेयर रेडी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्टेयर यहाँ पे बनाई और ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक और यहाँ पे कर दिया मेक कंपोनेंट, स्टेयर के लिए एस प्रेस किया और इसके बाद मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से प्रेस करके यहाँ पे स्टार 8 एंटर कुछ ऐसे, और मैंने इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको एक मटेरियल डाल दिया कुछ ऐसे, क्लियर। अब क्या है, अब मैं इन कंपोनेंट पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस वाले कंपोनेंट को सिलेक्ट करता हूँ जो अभी मैंने एस नाम से बनाया है और एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑलवेज फेस कैमरा। अगर आप ऑलवेज फेस कैमरा पे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप इसे रोटेट करोगे अपने व्यू पोर्ट को तो वो ऑब्जेक्ट आपके साइड ही फेस करेगा, हमेशा कैमरे की साइड ही उसका फेस रहेगा इन सब चीजों का। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, आप देखते होगे इसे कि आप जहां पे भी करते हो तो ऑलवेज आपकी साइड फेस रहता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में है कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ऑलवेज फेस कैमरा, अगर मैं ऑलवेज फेस कैमरा हटा दूं तो अब ये मेरा यहाँ पे फेस नहीं करेगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको कहीं पे इस चीज का यूज करना है। तो जैसे आप ऑलवेज फेस कैमरा यहाँ से हटा दोगे तो जिस पोजीशन में आपने वो रखा है उसी पोजीशन में रहेगा जिस पोजीशन में लास्ट था वो, क्लियर है। तो ऐसे करके भी आप इस ऑप्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये था ग्रुप और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है। कॉलम्स बनाने में आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है, वॉल्स बनाने में हेल्प मिलने वाली है। जैसे ऑटोकैड पे आप लेयर्स पे काम करते थे तो आप स्केचअप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड ग्रुप बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको बाद में फाइनलाइज करने में दिक्कत ना हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंटली वे में आपको सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको वर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था आज का वीडियो, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं जो भी इससे रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखें और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें।